पलामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगह बंसीधर न्यूज। और बंसीधर न्यूज अब यूट्यूब पर भी, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले पहुँचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसीधर न्यूज। दोहरे हत्याकांड के आरोपी को पकड़े नहीं जाने के विरोध में पाल संघ ने दिया धरना। अखिल भारतीय पाल संघ ने गत 17 नवंबर को रंका थाने के ढेंगुरा बरवाहा जंगल में दो भाइयों की हत्या कर 227 भेड़ों को लूटने में संलिप्त अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़े जाने के विरोध में आक्रोश रैली निकाली एवं धरना दिया। धरना के बाद संघ के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम 5 सूत्री मांग पत्र DC को सौंपा। मांग पत्र में घटना की CBI जांच कराने, मृतक के आश्रितों को नौकरी एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के साथ साथ रंका थाने के थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मौके पर रमेश पाल, सुखबीर पाल, रवि पाल, युगल पाल, ब्रजनंदन मेहता, सीताराम भुइयां, गमीरा सिंह, वशिष्ठ तिवारी, कालीचरण मेहता, कमर सफदर, असरफी राम, विनय पाल आदि उपस्थित थे। पूरे झारखंड के ही गढ़वा और पलामू नहीं बल्कि पूरे झारखंड में हमारे पाल परिवार के साथ सरकार के द्वारा, चाहे पिछली सरकार थी या अभी की सरकार है, उसमें हमारे परिवार के साथ उसका कोई गिनती नहीं हुआ। हमारे परिवार को किसी भी तरह के कोई भी सहूलियत आज भी नहीं मिली है। हमारे परिवार को ये झारखंड में पहचान ही खत्म कर दिया गया है कि पाल परिवार भी झारखंड में। ऐसे स्थिति में जो घटना घटी, हमारे दोनों जिला अध्यक्षों ने आपके पास बयान दिया, ये एकदम सही है और हमको जो है पाल परिवार के संरक्षण के लिए सारा कुछ चाहिए। आज तो हमारे परिवार में मुआवजा की बात है, मुआवजा दे देना भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, प्रशासन जो है सुस्त है, मैं गढ़वा जिला प्रशासन को पूरी तरह निंदा करता हूँ। मैंने जो है 19 तारीख को, 17 तारीख को, वो 17 नवंबर को प्रदर्शन हुआ था, 19 तारीख को गढ़वा जिला DC, SP और SDO तीनों से मोबाइल पर बात किया, तीनों ने हमको आश्वासन दिया, लेकिन आज तक उस आश्वासन का कुछ नहीं हुआ। यही नहीं, हमको कहा गया कि आचार संहिता लगी हुई है, इसके बाद आपके साथ न्याय होगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। आचार संहिता खत्म हुआ आज से तीन रोज पहले 26 तारीख को, 4 रोज हो गया, 26 तारीख को मैंने फिर SP से बात किया, फिर हमने DC से बात किया तो DC कहा कि आप रांची राजधानी में हैं, आप अपना जिला अध्यक्ष को बोलिए, अंचलाधिकारी से बात करें, अंचलाधिकारी को हम काम का ऑर्डर दे दिए हैं कार्रवाई करने का। लेकिन पता चला कि अंचलाधिकारी को कुछ नहीं कहा गया है, ये प्रशासन जो है भंजा रही है। उसी तरह से SP से भी हमारी बात हुई, SP से हमने कहा कि पहले रंका का जो थाना प्रभारी है उसको जल्दी से बर्खास्त करो, नहीं तो हमारा अगला कार्यक्रम होने जा रहा है। हमने इस कार्यक्रम की भी जानकारी दी, अगर ऐसा होगा तो कहीं खूनी संघर्ष न हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी पूरे गढ़वा प्रशासन की होगी, DC की होगी, SP की होगी, SDO की होगी। और इन सारी चीज़ों के साथ मैंने कहा आज नौबत ये आई है कि हमको ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और कल जो है, हो सकता है अगर हमारी बात सुनवाई नहीं होती है, तो एक बात जरूर है कि मैं साफ कहता हूँ कि ईंट से ईंट भजवा दूंगा, सिर्फ झारखंड में ही नहीं, सिर्फ गढ़वा में ही नहीं, पूरे झारखंड में। और पूरे झारखंड में भी पालों की एक ऐसी आबादी है और पाल परिवार एक लड़ाकू परिवार है जो हमेशा जंगल में रहा है, हमेशा लाठी और डंडा से काम लिया है। अगर प्रशासन के सामने हमारा पाल परिवार का लाठी और डंडा आ गया तो फिर प्रशासन जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मेरा नाम हुआ अवधेश कुमार पाल, प्रदेश अध्यक्ष पाल महासंघ झारखंड, प्लस अभी जो NDA सरकार बनी है, मैं राष्ट्रीय जनता दल के किसान सेल का कि उनके परिवार को सरकारी नौकरी, 227 भेड़ों को 6 गुना मुआवजा, 20 लाख अनुदान मिले उनको, आया दूसरा वहाँ जो है भेड़ चरवाहे और पशुपालन को यहाँ जो चराने जाते हैं उनको मिले अति वो काम होना चाहिए, उनका प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या किया गया? प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई काम नहीं हुई,
इसलिए मजबूरन हम लोगों को धरना प्रदर्शन और उस दिन जो 26 तारीख को जो मशाल जुलूस किए थे उसमें हम लोग किए, शांतिपूर्ण कार्यक्रम हम लोग किए। हम लोगों का मत है कि दोषी को फांसी हो, और दूसरा जो हमारे अनिल पाल और विजय पाल के जो अथी हैं अब उनके बच्चे को नौकरी हो, और दूसरा है शिक्षा का प्रबंध सरकार करे उनके बच्चे को, तभी जो है हम लोगों का काम होगा और सीबीआई जांच हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार पाल, पाल महासंघ जिला अध्यक्ष गढ़वा। महीना तले अनिल पाल और विजय पाल के निर्मम हत्या के विरोध में हम लोग आज धरना में आए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि जो मृतक है, मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, और उनके जो 227 लूटे गए भेड़ है उनका भेड़ का बाजार मूल्य का 4 गुना मूल्य उसको मिले। उनके ये पीड़ित परिवार के लोग हैं, उन दोनों भाइयों के पत्नियों को सरकारी नौकरी मिले, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, और जो हमारे समाज के लोग हैं जो भेड़ चलवाते हैं उनको जो है सरकार की तरफ से निःशुल्क प्रमाण पत्र मिले। उसके साथ साथ जो भेड़ चरवाहा और भेड़ है उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क बीमा कराया जाए, ताकि ऐसे घटना कभी घटे तो उन लोगों को घटना का जो है साथ सीबीआई जांच हो। क्या आश्वासन दिया गया था? आश्वासन दिया गया था कि एक सप्ताह के अंदर जो पीड़ित परिवार है उनको सरकारी मुआवजा हम लोग देंगे, लेकिन आज तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन में बोला गया पता पूरा नहीं किया गया। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग धरना दे रहे हैं, और धरना के माध्यम से लोग ज्ञापन दे रहे हैं, और राज्यपाल से लोग मांग कर रहे हैं यदि हमारा मांग एक सप्ताह के अंदर पूरा नहीं हुआ तो पूरे मंडलीय पाल महासभा फिर से गढ़वा जिला को जाम करेगा।